वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी 75 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें कि हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने इस बार 75 पार का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। इस दौरान जेपी नड्डा ने पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर उनकी सियासी लक्ष्य को समझने की भी कोशिश की, साथ ही उन्हें चुनावी जीत का मंत्र भी दिया। रादौर में जेपी नड्डा ने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों के साथ साथ आर्टिकल 370 को खत्म करने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। मोदी जी की इच्छा शक्ति है और अमित शाह जी की रणनीति है कि धारा 370 संसद के संसद में धाराशाही हो गया, विलोपित हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। एक देश में अब एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान हो गया, इसको हमको समझना चाहिए। और ये मात्र 100 दिनों के अंदर हुआ है।